शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरवाई के संविदा कर्मचारियों ने बीएमओ पर लगाए वेतन रोकने के आरोप। संविदा कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर सीएमएचओ के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। कुरवाई ब्लॉक के संविदा कर्मचारियों ने बीएमओ डॉक्टर आजाद सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बिना सूचना दिए वेतन रोक दिया जाता है, जिससे हम समस्त संविदा कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले बीएमओ के पद पर डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव पदस्थ थे, तब ऐसी कोई समस्या नहीं आती थी। जब से बीएमओ का पदभार डॉक्टर आजाद सिंह ने संभाला है, तब से हम लगातार परेशान किए जा रहे हैं। हम समस्त सीएचओ हमारी जो निम्नलिखित समस्याएं हैं, मतलब शैल से संबंधित हम लोगों को समस्याएं आ रही हैं, जिससे अवगत कराने हेतु हम लोग बीएमओ सर के पास गए थे, बीएमओ महोदय के पास, लेकिन हमने हमारी समस्याओं को सिर्फ सुना है। उन्होंने ना तो कोई आश्वासन दिया है, ना ही हम लोगों को बोला है कि आपका जो भी सैलरी से संबंधित समस्या है या आपका निराकरण है वो हम दो दिन में या तीन दिन में क्लियर कर देंगे। ये वो कौन है आपके? हमारे बीएमओ आजाद सिंह ठाकुर। ये समस्या कब से आ रही है आप लोगों को? ये समस्या अभी 3 महीने से आ रही है। 15 तारीख को हड़ताल पे गए हुए थे और अभी इस महीने लौट के आए, तो उस वजह से सैलरी प्रोसेस होने में टाइम लग रहा हो। अगर किसी की रुकी भी होगी तो कुछ रीजन से रुकी होगी, उसकी कहीं ड्यूटी लगाई गई होगी तो उसने ड्यूटी नहीं की होगी, या कोई उसको ऑर्डर दिया गया होगा जो उसने पालन नहीं। उन महिला कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है मीडिया के सामने कि साल में दो तीन महीने के लिए होल्ड की जाती है सैलरी, क्या कारण है सर? नहीं, होल्ड करने के कोई ना कोई कारण होते हैं। अननेसेसरी किसी की होल्ड नहीं की जाती। अगर उनको जो दायित्व सौंपे गए हैं अगर वो नहीं कर रहे हैं तो एक कारण हो सकता है।